हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ओपन क्लास के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये आपका रोप शॉवल कहलाता है, जिसे हम डीपर शॉवल भी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी कि इसे डीपर शॉवल क्यों कहते हैं। देखिए, आप इस बकेट का जो अनलोडिंग होगा वो नीचे से होगा, वो ट्रिप केबल खींचेगा ऑपरेटर और ये अनलोड हो जाएगा। ये आप देखिए, ये नीचे से बकेट के नीचे से कोयला गिर रहा है, इसलिए कहते हैं हम इसे डिपर शॉवल, एक रोप शॉवल। ये इलेक्ट्रिक से चलता है, आप देख सकते हैं। ये आपका हेड ओवरहेड वायर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें आता है, जो कि 6.6 किलो वोल्ट का रहता है। फिर यहाँ से आपका ये ट्रेलिंग केबल का रहता है, इस ट्रेलिंग केबल के थ्रू होते होते ये आपका ट्रेलिंग केबल के थ्रू जाता है शॉवल के, इलेक्ट्रिसिटी शॉवल में सप्लाई होता है। और ये पीछे में आपका एक केबल मैन, तो एक केबल शॉवल को, एक रोप शॉवल को चलाने के लिए अपने को दो मैन पावर की ज़रूरत होती है। एक ऑपरेटर जो अंदर केबिन में चलाते रहता है, और पीछे एक केबल मैन हमेशा रहेगा जो कि देखते रहेगा केबल उस चीज से दब ना जाए, केबल हमेशा वो लूज़ रहे, कि ज़्यादा अगर अपना मशीन आगे बढ़ रहा है तो खिंचा ना जाए। तो ये देखिए, अपना जो लोडिंग हो रहा है इसे, ये कहलाता है शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन। तो इस शॉवल के बारे में आपको बता दूं, ये शॉवल का बकेट का कैपेसिटी है 10 क्यूबिक मीटर आपके शॉवल का बकेट का कैपेसिटी है, और डंपर का कैपेसिटी है 110 टन। तो हम जो शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन कैसे लेंगे? अब 10 क्यूबिक मीटर का शॉवल है तो इसमें 250 टन का डंपर नहीं लेंगे, या 50 टन का ही डंपर नहीं लेंगे। हम ऐसा डंपर लेंगे जो कि बकेट चार से पाँच आपका बकेट में ये डंपर फुल हो जाए। ठीक, तो ऐसा अपन कॉम्बिनेशन लेंगे। तो ये आपका शॉवल डंपर कॉम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं। बूम है, रोप से पूरा मैनिपुलेट है, ऑपरेटर अंदर से पूरा रोप से ही काम हो रहा है, इसमें हाइड्रोलिक कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप इसका वर्किंग देख सकते हैं। तो एक मशीन, एक शॉवल पे अपन कितना नंबर ऑफ डंपर अलॉट करेंगे, कि आपका एक अगर डंपर लोड हो रहा है तो दूसरा डंपर आके 2 से 3 मिनट बस वेट करे। तो ये आपका पूरा डंपर, अब ये इसने हॉर्न दे दिया, उसने इंडिकेशन दे दिया शॉवल ने कि डंपर का लोडिंग हो गया है, डंपर जा सकता है। और डंपर देखिए अपना चल गया है, ये जाके CHP में गिराएगा। वैसे तो ये डंपर है 110 टन का, लेकिन जैसा अपना कोयला तो हल्का होता है, उसकी स्पेसिबिलिटी कम होती है, तो इसमें मैक्सिमम 80 टन होगा, ये कोयले का वो होगा 80 टन। और ये शॉवल अभी वेट कर रहा है अगले डंपर के आने का। और यहाँ हमारा एक डंपर फंसा हुआ है, इसे हम डोज़र के मदद से या आगे कुछ टोचन लगा के, जो रस्सा लगा के खींचेंगे, निकालेंगे उस। और ये देखिए, आप इसे फेस देख सकते हैं, ये कोल फेस है हमारा। तो ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, हम जब ब्लास्ट करते हैं ना, तो उसे पूरा ब्लास्ट करके उड़ा नहीं देते हैं, उस बेंच में कोयले का जो बेंच है फेस, उसमें अपन कोयले को हिला देते हैं, बस लूज़ कर देते हैं। जैसे लूज़ हो जाता है तो ये शॉवल क्या करेगा, आपका शॉवल उठा के आसानी से उठाते बनेगा। अब देखो, आप यही सोचो, ये अगर कोयला ज़मीन में बिखरा होगा तो इस शॉवल को उठाने में बड़ा परेशानी होगा, इसलिए क्या करते हैं अपन बेंच में ही कोयले को लूज़ बस कर देते हैं, ताकि आसानी से शॉवल उठा सके। अच्छा, आप देखिए बेंच का हाइट कितना है, जो फेस है अपना कोल फेस का हाइट कितना है। तो आपने रेगुलेशन पढ़ा होगा कि जो कोल फेस या बेंच का हाइट होता है वो एक्सकवेटर के बूम हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रीच ऑफ बूम से। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका बूम का हाइट है, रीच है, उससे ज़्यादा कोयले का फेस नहीं है। उससे क्या परेशानी हो सकती है, मान लीजिए ये ऊपर तक हाइट रहेगा तो ऊपर से कुछ बोल्डर लुढ़क के गिरेगा तो हमारे मशीन को डैमेज कर देगा। इसलिए अपन क्या करते हैं, कोल के फेस के हाइट को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, सिर्फ बूम के रीच तक ही रखते हैं जी। तो ये ओपन कास्ट माइंस है, ओपन कास्ट माइंस में एक अपना वायरलेस रहता है, इस वायरलेस से पूरा कंट्रोल में रहता है, अपन कंट्रोल रूम के टच में रहते हैं।
ये मैंने साउंड कम रखा है और ये इसे दबा के अपन बात कर सकते हैं। कुछ भी हुआ अपन यहाँ से रिपोर्ट दे सकते हैं, या कुछ मंगवाना हो हमें, कुछ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ इमरजेंसी है, तो अपन इस वायरलेस के थ्रू पूरा रिपोर्ट देते हैं। और इधर अपना ड्रैग लाइन चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा एक माइंस हो गया, इधर से अपन मिट्टी उठाते हैं और इधर डंपिंग एरिया है, ये कहलाता है डंपिंग एरिया। डंपिंग आप देख सकते हैं पूरा पिंचिंग किया हुआ है, नो डंपिंग। इधर से अपन मिट्टी उठा रहे हैं, ये पहाड़ है, पहाड़ से अपन मिट्टी उठा रहे हैं और उधर डंपिंग कर रहे हैं। तो डंपिंग आप देख सकते हैं बेंचिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है, हर 30 मीटर में एक बेंच का हाइट 30 मीटर होता है, तो हर 30 मीटर में आपका डंपिंग चेंज हो जाता है। ये अपना ड्रैग लाइन है, मैं अगले वीडियो में आपको ड्रैग लाइन के बारे में बताऊँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और भी माइनिंग से रिलेटेड मैं वीडियो डालते रहूँगा। सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत पैसा है अपने पास, लाइक कर दो।